1875 मसीहा आज दिन में विशिष्ट समाजसेवी स्वर्गत शैलबाल दास जन्मग्रहण करते ओडिशारे नारी शिक्षा प्रसार रे तांकर प्रमुख भूमिका थिला। उत्कल गौरव मधुसूदन दास शैलबाल पोष्य संतान भाव ग्रहण करते 1907 शैलबाल देवी लंडन रु प्रशिक्षण समाप्त कर फेरवापर नारी शिक्षार प्रसार पर उद्यम आरंभ करते 1908 से रेभेन्सा बालिका विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिणत करते सेठारे मात्र 15 जन छात्री थे। 1909 बेलू 300 बालिका एक विद्यालय में अध्ययन करुले परे सरकार यह नारी शिक्षा पीठ भाव ग्रहण करने शैलबाल नारी शिक्षा प्रवक्ता भाव ग्रहण करागला। 1913 उद्यम रेभेन्सा बालिका विद्यालय परिसर में आंतमामिक श्रेणीर पाठपढ़ा आरंभ होता यू ही कटक राज्यर प्रथम महिला कलेजर भित्तिमि पड़ता से तत्कालीन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी नारी शिक्षा शैलबाल विशेष अवदान यार नाम शैलबाल महाविद्यालय रखिथिले। 1903 शैलबाल देवी उत्कल युव संगठन गठन करने उत्कल महिला संघर मध्य आरंभ करते 1952 से कांग्रेस टिकेट्रे राज्यसभा सदस्य होते 1954 पर्यंत से राज्यसभा सदस्य थे। नारी शिक्षार प्रसार और समाज सेवाई 1969 भारत सरकार तांकु पुरस्कार प्रदान करते पद्मश्री पुरस्कार पाइबारे शैलबाल देवी थे प्रथम ओडिया महिला। निज लेखनी चालना माध्यम रे ब्रिटिश सरकार रो निद हजाई महान स्वाधीनता संग्रामी गणेश शंकर विद्यार्थी 1931 मसीहा आज दिन में परलोक होता। गणेश शंकर क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका प्रतापर आरंभ करते जार उद्देश्य था निर्यातित कृषक दिन मजुरिया और साधारण नागरिकों स्वर बनवा। निज लेखापी गणेश शंकर को बहुबार जेल भी जवाक पड़ता 1931 मसीह कानपुर में होता दंगा बेले बहु लोकों जीवन बचाईवा जा गणेश शंकर विद्यार्थी दंगाकारी आक्रमण शिकार होते जो थे मृत्यु होता आज भी कलम सिपाही भाव मन रखी देश। 421 ख्रीस्ताब्द आज दिन में इटाली प्रसिद्ध सहर भेनिस स्थापना होता। भेनिस एक एपरी सहर जोठे सड़क व रास्ता नहीं सहर सारा डंगा साहजरे लोके जास करती एर मूल द्वारे गत 6 वर्ष भितर कौन सी परिवर्तन करा जाए नहीं। 1898 मसीहा आज दिन में स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता ब्रह्मचर्य दीक्षा प्रदान करते 1895 स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड जाते सेत विचारधारा प्रति मार्गरेट नोबेल खूब प्रभावित होते 28 जनवरी 1998 मार्गरेट नोबेल भारत आसी से ही वर्ष मार्च 25 स्वामी विवेकानंद मार्गरेट को विधिपूर्वक ब्रह्मचारिणी व्रतर दीक्षा प्रदान करने ना निवेदिता रखी थे।